ब्रांड वाला लियो किसकी ज्यादा, नियो या हेक्टर? नियो ऑब्वियसली ब्रो, तो नंबर से पार्ट है, पर नियो ने कुछ अभी उखाड़ा भी है बहुत टाइम से, उसने उखाड़ गया है ब्रो यहाँ तक। अभी तक हम कुछ मान लो बोल दिया नियो को, क्या फायदा, कितना ही गेम जीता है, 2 मेजर जीते हैं बस, मेरे सभी भी बहुत ऊपर है, जो लोग मेरे से ऊपर है मैं कहाँ से बोलूंगा उनको, बताओ। ये सिर्फ ट्रॉफीज के मामले में, मैं क्योंकि ई स्पोर्ट्स क्रिएटर हूँ, मैं सिर्फ अपना परफॉर्मेंस और ये सब चीज़ को ही लेके बोल सकता हूँ। नंबर्स में तो बहुत सारे लोग ऊपर है मेरे से, नंबर्स एक अलग पार्ट है, पर हम लोग ई स्पोर्ट्स में, अभी ई स्पोर्ट्स में जब तक आप उखाड़े नहीं हो तब तक तो जो आपसे ज़्यादा उखाड़ा है मैं उसको तो बोलना प्रेफर नहीं करूँगा, और जो बंदा उखाड़ा नहीं है अभी तक, मैं खिलाड़ी हट जाए यहाँ से फिर। गेस हू, नियो वर्सेस हेक्टर, देखो दोनों का पर्सनल चीज है ब्रो। आई पर्सनली बिलीव कि बीइंग एल्डर टू बोथ ऑफ देम, मैं यही बोलूंगा कि तो मैं भी बोलूंगा कि भाई मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मैं चीज़ तो वही बोलूंगा कि अपने आपस की चीज़ आपस में रखो, पब्लिकली मत करो, वहाँ से ऑडियंस बहुत ज़्यादा होगी, ऊपर से तुम दोनों आई गेस एक ही और के हो, तो गलत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम वर्क में भाईचारा रखो ब्रो। अबे अभी तू देखा, अबे बताओ ऐसा के बोलता है कि ट्रॉफी जीतते से, मतलब अब बोल भी किसको रहा है, क्या है रेडी है, बोल भी एक ट्रॉफी तो जीता है भाई गलती से, वो भी किधर है उसके बाद तो कुछ ठीक हो गया। तो अबे इन लोग निकले कि इनको इसको निकाले कि इसको ये किए निकला ही है क्या बताओ, उनको ही बताओ। और ट्विटर पे क्यों बचते, मेरे को ये समझ, रीच चाहिए क्या ट्विटर पे, मेरे निकाला को है हर बार यही तो मतलब। निकाले हुए प्लेयर्स, निकाला हुआ प्लेयर्स छोड़े, निकाला हुआ प्लेयर इतना क्यों बज रहा है स्ट्रीम पे। अगर ट्रॉफी जीतते से वैल्यू बढ़ती, क्या है इसका मार्केट में वैल्यू, कोई इसको ब्रांड 1 लाख रुपए भी देगी कुछ करने का? मैं तो नहीं देखा है, सब तो ब्रांड डील्स गॉबलिन को जाते हैं, इसको देख ब्रांड डील भी नहीं आता कुछ भी, ना कोई ऑफिशियल शूट में दिखता है, बस वो ये छोटे मोटे अप्रैस में आके थोड़ा बचता है, मुंह के सामने तो कुछ बोल नहीं पाता, प्रॉब्लम है भाई उसको कुछ अंदर से, भाई हमारे उसको लिए अंदर क्या से है कुछ पता नहीं, तो अपना वो नहीं भूल रहा, राइवलरी नहीं भूल रहा और राइवलरी उसको, बीजे में नहीं सीजन भूल वन रहा बार कुछ बार याद आता होगा। कुछ भी, मतलब भाई बूट कैंप पे गया हूँ ना, आज तक कभी बात किया हूँ ना उसके मुंह लगा हूँ, कुछ भी नहीं भाई, काम से काम रखता हूँ, वो गॉब्लिन और उससे बात होती है अलग, जाके खुद ही स्ट्रीम पे, कल खुद ही स्ट्रीम पे जाके गाइस बोल रहा है कि मैं तो दूर रहता हूँ ऐसे लोगों से। अरे वे भाई मकसद तू जा लिख मार्केट रहे हैं उसके लोग। अबे, कुछ मत लिखो भाई, मकसद भाई जाके उधर स्ट्रीम पे खुद बोल रहा है, अरे जा भाई तू जा मार्केट में, तू तेरे को एक साइड पे रख और मेरे को एक साइड पे रख, और फिर जाके तू ब्रांड्स बोल रहा है ना, जाके पूछ ले किसको साइन करेगी, एक ट्रॉफी जीता है गलती से तू भाई, उसमें तू इतना बज रहा है, उसके बाद क्या है, किधर जीता है तू, कुछ जीत रहा है, वो एक चश्मा लगा के बैठा रहता है बस तू, और तो क्या, ब्रांड वैल्यू तो आई गेस था भी नहीं उसका, कोई ब्रांड उससे कोलैब किया भी है उसको आज तक, उसने कोई ब्रांड किया है? मैंने तो सुना है वो सभी किया है बस, जो वो टाइम पे कुछ आने के छोटे मोटे 50 60 10 15 हजार लेने का, एक स्टोरी रीशेयर मारने का 10 15 हजार। अबे खाना खाने जाते ना तो भी 50 हजार का खाना खाते रहते हैं अबे हम लोग, स्ट्रीम पे जाके अपना बोल रहा है कि राइवलरी तो रहेगी मेरे साइड से, ठीक भाई क्या कर दिया मैंने तेरे घर से, किसी को उठा लिया या तेरे को थप्पड़ मार दिया मैंने रियल लाइफ में, क्या हो गया भाई? स्काउट जो है जिससे मेरा इतना कंट्रोवर्सी है, वो मेरे को, वो उससे कॉल पे बात हुआ, वो अच्छे से बात करता है, सीढ़ी के साथ जो कंट्रोवर्सी उससे अच्छे से बात होता है, ठीक है ये अलग अपने आप को अलग तोप समझता है, कौन सा इसने ब्रांड डील क्रैक कर लिया 10 लाख का 1 महीने का पता नहीं, या कौन सा इसने 2 3 मेजर टूर्नामेंट्स या एक 3 4 इंटरनेशनल खेल के आ गया पता नहीं, किक हुआ है सोल से तो भी अकड़ नहीं गई बता, मैं इसको कुछ नहीं बोला, हर तो मैं बार जानता हूँ। हर बार बीच में उंगली करेगा, हर बार कूल बनेगा, अरे नहीं होता भाई तू ऐसा, तू मतलब चुप बैठा हूं मैं इतने टाइम से, तू बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है, कभी ये कभी वो, कभी इधर उंगली, कभी स्टोरी डाल देगा गाली देते वक्त, अरे गाली देते वक्त स्टोरी डाल रहे, गोदा तो रख स्टोरी रखने का, डिलीट कर देता 2 सेकंड में, फिर बोलता है मैंने स्टोरी डाली ही नहीं, उड़ जाएगा भाई कभी घर से कसम से, उसने पहले स्टार्ट किया कल वो सब कमेंट करके, मैंने बस आज अपने स्ट्रीम पे जितने लोग मेरे स्ट्रीम पे थे मैंने अच्छे से क्या बोला पता है शैडो, कि वो उसका पर्सनल, वो बोला कल देखो पूरा बता था, उसने कल अपने स्ट्रीम पे बोला कि उसके साथ नियो के साथ कभी शॉर्ट नहीं होने वाला ना, राइवलरी तो बनी रहेगी ऐसी वैसी ये सब चीजें बोला, फिर उसके बाद बोला कि किसने, वो उसको बोला कि दोस्त बन जाओ, तो वो बोला कि मैं दूर रहता हूँ ऐसे लोग, मैंने नहीं बोला ठीक है, मेरी कल रात को शांतुरी से ये चीज को लेकर बात हुई, तो उसने बोला बात करते हैं,
फिर उसके बाद मैंने मेरा आज स्ट्रीम पे सब लोग बोल रहे थे एक्टर ने ऐसा बोला, तो मैंने बोला कि गाइस जो भी है उसका पर्सनल ओपिनियन, अभी तक स्ट्रीम है वो जाके देखना, ना एक गाली दिया ना कुछ गलत बोला, मैंने बोला जो भी है उसका पर्सनल ओपिनियन है, उसको नहीं अगर करना तो ठीक है, तो मैं भी नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि अगर सपोर्ट चाहिए नहीं तो मैं क्यों करूँ। मैंने बोला गॉड लाइक में है मेरे भाई लोग, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, बस इतना बोला। और मैं उसने बोला था कि मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं वो जगह पे खड़ा भी नहीं रहता हूँ जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। और वो चीज का वो ट्विटर पर जाके लिख रहा है कि स्ट्रीम पे बजने से क्या ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ता ना, ये बढ़ता है ट्रॉफी जीतने से बढ़ता है, और तू मैं स्पोर्ट्स पे फोकस करता हूँ, तू सीसी पे कर। अबे भाई बता, अभी ट्रॉफी का बात तेरे और मेरे से कर रहे हैं ठीक है, मेरे से भी कर ले भाई, ठीक है, पर तेरे से कैसे कर भाई सकते इतना। हैं बता। भाई सुन, पहले 3 मेजर जीत जा, एक में एमवीपी बन जा, 5-6 इंटरनेशनल खेल ले, इंडिया को 3-4 बार टॉप 5 लेके आ, फिर उसके बाद अपन बैठ के, मैं बोल तो रहा हूँ, और अगर तेरे को ब्रांड वैल्यू का बात ही करना है, अभी भी जा ब्रांड वैल्यू देख ले, किसका मार्केट में जाके पिच कर, देख किसके पास ज्यादा ब्रांड्स आते हैं। एक डील भी भाई लाइफ में, एक डील भी तेरा लॉक हुआ है 10-15 लाख का, कि 15 लाख 20 लाख का तेरा डील लॉक हुआ है, वो भी नहीं हुआ रहेगा। बस बड़ी बड़ी बातें हैं। अल्ट्रॉन स्टोरी हम देखे भाई, 3-4 साल गेम खेला पूरी मेहनत करके, चाहे कोई टीम ना ले एंड स्पोर्ट्स से प्लेयर गिव अप करना पड़ जाए, बट कभी ये हरकत नहीं की, शर्म कर ले एंड चोर छोड़ दे खुद से सब, जिसको लगे फेम के लिए कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ना स्ट्रीम कर रहा एंड फेम इज जैसे से तो क्या लूंगा यार। वही बात है कि जो गलत किया है, देखो भगवान तो आखिर में सब देख रहा है, ये उसका खुद ही का कहना है, माया भी भाई शिव जी के बहुत बड़े भक्त है, अगर वो गलत किए होंगे तो उनको भगवान खुद ही, भगवान तो सब देख ही रहा है, हम लोग इतना साल से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग चूतिया थोड़ी है, हम लोग इतना टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल हो गया है तब जाके मेहनत से हम लोग यहाँ पे आए। अब कोई मतलब बहुत सारे केस ऐसे सुन लिए कि पहले वो लोग हैक लगा लेंगे, फिर एक पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे उनका सब सिक्योर हो जाता है, और फिर उसके बाद वो छोड़ देंगे, पर जो उनका सेंस है वो तो रह जाएगा ना। तो मेरे को लगता है कि अगर जो गलत किया है तो उसको तो फ्यूचर में गलत होगा ही, मतलब अभी नहीं हो रहा चलो ठीक अच्छी बात है, पर जो गलत किया उसका फ्यूचर में गलत होगा ही, आई बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा। बट द सेम टाइम अभी मैं किसी को कुछ गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी तक दोनों साइड से सिचुएशन क्लियर है नहीं, माया भी अभी तक नहीं आया है ऑनलाइन, अभी तक वो ऑफलाइन ही है, तो आई स्टिल डोंट नो कि कौन सही कौन गलत, मैंने उतना फॉलो भी नहीं किया कि ये स्नेल वर्सेस माया भी देखते रहूँ। तो चुतिया पा बाबू अब मजा आ रहा है कम्युनिटी में स्काउट वर्सेस हार्ट स्कोप, हार्ट स्कोप, हार्ट स्कोप कौन है, पर आई दिस वेरी रॉन्ग कि इतना बड़ा और का पार्ट हो के भी इतना सारा एलिगेशन लगा है, और अभी तक वो ऑफलाइन है एंड ही मस्ट बी कुकिंग समथिंग, दिस वेरी रॉन्ग। मायावी को सपोर्ट मत कर भाई, डोंट ब्रेन वॉश भाई, देखो हम पिछला बार जो भी बोले हम क्या बोले होंगे कि क्या पता उसको पता हो या ना हो, अब देखो या तो एक चीज़ हो सकता है या तो वो उसको पता ना हो अनजान हो, अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, उसको पता हो वो सब मेन हो, और बहुत पहले का भी हम सुने बहुत सारे एलिगेशन, नहीं पता वो सही हो या गलत हो तो उसकी टीम के ऊपर, बट आई वुड मेरे को अभी कमेंट नहीं करना वो सबके ऊपर कुछ भी, पर मेरे को ज़रूर से ये तो वेट रहेगा कि मायावी भाई कब वापस से आए और बोले, कई आदमी गलत होता सही होता, अगर वो सही होता तो ज़रूर से आता, प्राउडली आता कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई थी, सपोर्ट किया था उनको, पर अभी वो नहीं आ रहा है, वो चुप है इतना टाइम से, और अगर वो सोच रहा है कि अगर मैं बहुत टाइम ऑफलाइन रहूँगा कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा स्टोरी वोरी नहीं लगाऊंगा बहुत टाइम का, फिर भूल जाएंगे लोग, अब क्या पता क्या चल रहा है, जैसा गोल्डी भाई अभी कहे कि उनके पास भी प्रूफ है स्नेहिल के लिए जो भी, तो वो लोग भी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर ही रहेंगे, पर ये तो ऐसे बहुत गलत चीज़ है कि इतना टाइम अगर आप सपोर्ट किए बूट कैंप पे रखे सब चीज़ किए उसके बाद भी आपकी टीम को बैन पड़ रहा है, तो समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, क्योंकि इतना टाइम से तो भाई ऐसा कोई इतना टाइम से कम्युनिटी में है बंदा, समझदार बंदा है, ट्राइडेंट के साथ भी एफिलेटेड है शायद से, घातक भाई का भी अच्छा ही दोस्त है, इतना टाइम से है वो कम्युनिटी में, तो ऐसा चूतिया बनना तो एक बात नहीं है, क्योंकि वो तेज़ बंदा है मेरे को पता है, और बच्चों से थोड़ी ना वो बन जाएगा। हाँ, तो मेरा एक फाइनल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी जो रिसेंटली चल रहा था, क्योंकि मैं इस चीज़ को वापस एड्रेस नहीं करूँगा, ये वंस एंड फॉर ऑल एक फुल स्टॉप लगाया था इस चीज़ पे। मैंने अपने लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए, अपने फैमिली के लिए मैंने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में डाल दिया था रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स विथ सारे स्क्रीनशॉट्स जो हमने आगे प्रोवाइड किए थे। थर्ड चीज़, सेकेंड चीज़ कि भाई अब मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ हमारे लॉ पे और लीगल चीज़ों पे, क्योंकि वो चीज़ एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट में जो चीज़ें फाइनली बोला जाती है और जो स्टेटमेंट जज देते हैं वही फाइनल एंड फेयर होता है सबके लिए, वही जजमेंट रहता है। सो मेरे को अच्छा लगा कि सामने वाला बंदा लीगल जाना चाहता है तो मैं भी लीगल जाऊंगा, और अब हम सीधा ये चीज़ मेरे लॉयर, उनके लॉयर अगर है, अगर नहीं है तो
लॉर्ड हाई कर देना चाहिए, लॉर्ड टू लॉर्ड बात होगी। अब यहाँ से मेरे तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं जाएगी, अब ये सीधी बात होगी ऊपर वाले लेवल पे जो एक्चुअली प्रोफेशनल्स है। लेट्स सी हाउ इट एंड्स, मजा आएगा काफी अच्छी चीज देखने में। ठीक है डन, तो ये चीज का मेरे एंड से फुल स्टॉप हो चुका है चीज़ें। और बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि यार क्राफ्टन बगल वाले दुकान पे अंकल काम करने वाला आदमी नहीं है, क्राफ्टन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मेरे जैसे एक क्रिएटर के लिए रूल्स बैंड नहीं करती है। अगर मैं इतना ज्यादा ही पावरफुल हूँ तो भाई मैं बहुत सारी चीजें बदलवा दूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी पावर मेरे पास नहीं है कि मेरे लिए क्राफ्टन मेरे लिए मेरे को फेवरिज्म दे दे, मुझे पावर दे दे। पहले क्या है, और को अपनी और कोई गाली दे दो, फिर अपनी और कोई गाली देके फिर उसी को जाके सिंपति लेने के लिए फिर वहीं पे ही उनको डिफेंड करना शुरू कर दो। नहीं और को क्या बोला, डिफेंड करके बाद में उनसे सिंपति, किस बात का मैंने सिंपति लिया है? मैंने कोई बात का सिंपति लिया चैट? मैंने कोई बात का सिंपति नहीं लिया है। जो चीज़ हुई थी वो चीज़ बोल के मैंने छोड़ दी, मनी प्रॉब्लम हुआ था बोल के छोड़ दिया। दिल से सपोर्ट है भाई लोग को, सपोर्ट करता हूँ। सोल मतलब गॉडलाइक किसी और ने नहीं बनाई है, गॉडलाइक में चार में पहले भी ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। गॉडलाइक में 4 लाख, अगर तुम मेरे बात से मानते हो तो पूरा बात सुनो और फिर लास्ट में बोलो मैं सही बोल रहा हूँ। गॉडलाइक में 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे गॉडलाइक के, या गॉडलाइक के 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे, तब मैंने गॉडलाइक ज्वाइन किया, तब मैंने गॉडलाइक ज्वाइन किया। क्या चैट एक बार बताओ, आज एक फाइनल फाइनल किया गया, ठीक है इनका छोड़ो, चलो इनको साइड रख। जब गॉडलाइक के 3 लाख सब्सक्राइबर थे तब मैंने गॉडलाइक ज्वाइन किया, तब क्या तब मैंने घातक ने सी गॉड ने क्लच गॉड ने और जॉनी ने गॉडलाइक ज्वाइन किया? नहीं नहीं नो, गॉडलाइक जब मैंने ज्वाइन किया तब गॉडलाइक के 20-30 हज़ार फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स थे। सही बात, सही बात, तब गॉडलाइक के 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। जो गॉडलाइक को फॉलो करते हैं वो XTSMNT फैंस थे। सही बात, ठीक है। जब गॉडलाइक के 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वहाँ से लेके गॉडलाइक जो आज है उसको बनाने में, गॉडलाइक के उसका क्रेडिट हम लोग का मेन टीम भी नहीं ले रहा है, उसमें क्रॉन्टन का भी हाथ है, उसमें अमर का भी मेहनत है, उसमें मेरा मेहनत है, उसमें जॉनी का मेहनत है, उसमें लाला का मेहनत है, उसमें सीगॉड का मेहनत है, हम सबका मेहनत से ही जो फैन बेस बना है गॉडलाइक का, ठीक है। सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स फैन बेस वो हम लोग सबके मेहनत की वजह से ही बना। अगर BGMI आने के बाद हम लोग इतने 5-6 टूर्नामेंट लगातार नहीं जीतते, ठीक है, BMPS में सेकंड नहीं आते, तो ये फैन बेस बनता? क्या मैं गॉडलाइक से फेम ले रहा हूँ? क्या मैं गॉडलाइक से फेम ले रहा हूँ? कैसे कोई बोल सकता है कि मैं गॉडलाइक से फेम ले रहा हूँ जब गॉडलाइक का नाम बनाने में मेरा भी हाथ था, जब गॉडलाइक का नाम बनाने में मेरा ही हाथ था? तो मैं गॉडलाइक उनसे ही सिंपत्ती लूँ? मेरे को पता है गॉडलाइक छोड़ने के बाद जो फैन जो फैंस लोग हैं वो मेरे को तब भी सपोर्ट करेंगे, तो मैं किस बात कर रहे भाई? तो अगर उन लोग कल को गॉडलाइक छोड़ के कोई और में चले जाए वो और को सपोर्ट करूंगा, सिंपल सी बात। अब आगे CC कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ रहे हैं। चलो अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक रूल निकाल दिया कि ये है, या प्राइम मिनिस्टर ने चलो कुछ गंदा कर दिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गलत कर दिया, और फिर नॉर्मल लोग बोल रहे कि ये क्या कर दिया तुम लोग ने, चेंज करो ये वो। फिर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे तुम पार्लियामेंट में बैठे थे, तुम बैठे थे जब लॉ पास हो रहा था, बिल पास हो रहा था, तुम बैठे थे, नहीं बैठे थे, क्यों बोल रहे हो तुम? अरे क्यों ना बोले, वो भी तो है इस देश के, मैं क्यों ना बोलूँ, मैं भी तो ये कम्युनिटी का हूँ। कोई हैक कर रहा है, करने दू, लाला जो इतना स्टोरीज डालता है, लाला जो इतना ये करता है, इतनी गांड मारता है, वो क्यों मारता है? हैकर्स को बढ़ने दे, दिख रहा है तो बढ़ने दे। मावी खुद बोला, मावी गलत है, क्यों पढ़ रहा है मावी ये सब चीज़ों में? मतलब खुद के टाइम जब बात आती है तब दबा के तुम लोग कुछ भी बोलोगे, ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। बाकी जो तुमने कहा गॉडलाइक को बदनाम करके, गॉडलाइक से जो चीज़ था मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, जो चीज़ था वो था मैं बोल दिया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। उनके साथ मेरा कोई बैठ, मैं वो तभी वो चीज़ बोला था, इंसान गलत नहीं है, क्रॉन्टन सिचुएशन गलत है, बट मेरे को भी एक घर संभालना है, मेरे को भी फैमिली है जिसको संभालना है, ठीक है। इंसान कभी गलत नहीं होता, निक्सन बोलते, ठीक है, इंसान गलत नहीं होता, हालत गलत होते, हालत गलत थे, ठीक है, चीज़ें नहीं जमी, छोड़ दिया मैंने, क्या बट मेरा उसका बैड ब्लड है कोई? हाँ मेरा उसका कोई बैड ब्लड है कि मैं उसको गाली दे रहा हूँ ऑन स्ट्रीम आके? अब भी बात होती है, अमर से भी बात होती है, जीगोड़ से भी बात होती है, जॉनी को वो टाइम तुम्हारे सामने कॉल करा, ये जो 4-5 साल का ये यूँ ही चला जाएगा, हाँ कॉन्टेंट भी अग्री किया था, तो सेम बात है। तो तुम हमारे मैटर में मत पड़ो, खुद का ऑर्गेनाइजेशन को संभालो, और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हैकर टीम को छाती ठोक के सपोर्ट करने वाला एक बंदा था, ठीक है, एक्शन लो, और अगर नहीं एक्शन ले रहे तो इन फ्यूचर किसी और पे उंगली उठाने के पहले खुद को भी देख लेना कि ये टाइम पे कुछ तुमने करा नहीं, सिंपल सी बात। और ये पूरी कम्युनिटी की बात है, क्या क्राफ्टन भी गलत है? शायद क्राफ्टन भी गलत हो सकता है, क्या पता, शायद क्राफ्टन भी गलत हो सकता है। तो सिंपल सी बात यही है, मुझे आपके मैटर में नहीं पढ़ना, आपको जो करना है आप करो, ठीक है, बस आप मेरे पर्सनल मैटर में मत पढ़ो। और को गाली दिया ये, मैंने और को पहली बार गाली नहीं दी, मैंने कहा कि चीज़ें जमने रही तो मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसे तो आपके भी और में चीज़ें हुई है, फॉलो अन फॉलो छोड़ने की बात है, ऑन स्ट्रीम एक दूसरे को गाली देना, आपस में झगड़े करना ऑन स्ट्रीम, इसने इसको गाली दे दिया, इसने उसको गाली दे दिया, तो यार वो तो आएगा, हमारे इसमें कभी हुआ नहीं है। जब मैं गॉडलाइक में था किकी के साथ एक बार हुआ था बस, और तो हुआ नहीं है, तो यार वो चीज़ तो कभी मत, प्लीज़, हमने तो वो चीज़ कभी कहीं नहीं आके ना वो चीज़ को कंट्रोल करा, तो तुम भी प्लीज़ मत करो वो चीज़। अगर आपको इंटरनल मैटर नहीं पता तो जो ऊपर का मैटर चल रहा है उसको पहले बात करते हैं, सिंपल सी बात, बराबर है कि नहीं चैट? ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है, छोड़ो वो सब, उस पर पढ़ते ही नहीं अपन, बस इतना सा है उसने हैकर टीम को सपोर्ट करा। अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन चलो गॉडलाइक ने एक हैकर टीम को सपोर्ट करा तो क्या हालत होता बताओ? कितना सब्ली मिलते, कितने गालियाँ मिलते हैं चैट, कितने गालियाँ मिलते हैं बताओ, कितने गालियाँ मिलते हैं गॉडलाइक को सिर्फ नॉर्मल कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से इतने गालियाँ मिलते हैं? अगर ये होता ट्वीट पे ट्वीट आता, ट्वीट पे ट्वीट, मावी वो तो तुम्हारा ही है, वो खुद बोल रहा ठीक है, वो भी गलत है, क्राफ्टन बोल रहा है, क्राफ्टन भी गलत है, मैंने भी तो वही बोला कि हैकर है नहीं सपोर्ट करना चाहिए, मैं भी गलत हूँ,
अब मेरे इसको दबाने के लिए तुम अलग टॉपिक लेके आ रहे हो गॉडलाइक के बारे में, ये वो सिंपैथी, किस बात का सिंपैथी लूं? मैं नहीं हूँ भाई तो झगड़ा करने का, दोनों के दो लोग का सुलह करके फिर बोलो चलो सॉरी बोलो और सिंपैथी लो। मैं नहीं हूँ, अपन जो है फेस पे, कभी किसी को सॉरी नहीं बोला ना बोलूंगा, सिंपल सी बात। गाली दे तो मेरे को पीठ पीछे दुनिया भर का दो, नहीं फर्क पड़ता, सिंपल सी बात है अपनी।